भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलाय साक्ष्यौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धु जगत्पते गोपी सह गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाहि केशवस्तत कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः समाधि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सहितं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुसहितमपीतकृत्यम् द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया चरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोले बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोला हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरी गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीपाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए। सवेरे हम लोग श्रवण कर रहे थे, शंकर जी माता पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती जगत में हर चीज आसानी से मिलती है लेकिन एक चीज बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। बोले वो कौन सा चीज है? बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बार। हे पार्वती ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। अगर जीवन में एक घड़ी आधी घड़ी बोले आधी से पुण्य आत तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। अगर जीवन में एक लव अगर जीवन में भागवत कथा सुनने को मिल जाए बोले एक लव कितना समय है? बोले एक सेकंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का एकमा भाग को एक लव कहते हैं।
अगर जीवन में इतना समय अगर ये सत्संग और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे, बोले ना स्वर्ग ना अपुनर्भ, बोले जिसको साथ में स्वर्ग यहाँ तक भी मुख्य सुख को भी उसके साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं, इतना महिमा ये श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले एक जन्म नहीं बहुनाम जन्म नामान्ते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, करोड़ों करोड़ जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो तभी ये श्रीमद् भागवत कथा कोई रख सकते और ये कथा कोई श्रवण कर सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती, तभी ये जीवन में कथा सुनने को मिलती है, बोले कब मिलती है, बोले अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि कृपा जा पर ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो। विशेष कृपा मतलब है कौन ये भागवत कथा में आ सकते हैं। उदाहरण दिया, जैसे आपका घर में कोई फंक्शन हो रही, नहीं तो शादी, नहीं तो बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, आप तो घर में कौन आएगा, जिसको आप बुलाओ, जिसको आप नौता दोगे वही आएगा। अगर आप नौता नहीं दोगे तो जैसे घर को पास में ना इंच दीवार को पास में कोई रह नहीं, अगर आपको उसको नौता नहीं दोगे तो नहीं आएगा। लेकिन भले ही 1000 किलोमीटर दूर में कोई है, आपने उसको पास में निमंत्रण कार्ड भेजा, वही व्यक्ति वहां आएगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये कथा में वही आ सकते हैं ठाकुर जी जिसको निमंत्रण कार्ड भेजा, ठाकुर जी जिसको नौता दिया वही आ सकते हैं, नहीं तो सब नहीं आ सकते। इसलिए कृष्ण जब बंसी बटो के नीचे खड़े होकर के बंसुरी बजाए, ब्रज में तो कितने भक्त लोग थे, वहां पर सखाएं थी, माताएं थी, पिताएं थे, भाई लोग थे, लेकिन वहां पर गोपियां भी थी, लेकिन रास में कौन कौन आए, बोले कृष्ण जिसको बंसी को धरा, जिसको भुलाया, वही केवल वहां पर आए, वो बंसी ध्वनि सभी की कान में नहीं पड़ी। इसलिए यहाँ पर शंकर जी कहते हैं पार्वती, यहाँ पर तो कृष्ण ने ये भागवत कथा रूपी बंसुरी बजाए, लेकिन कौन कौन भागवत कथा में आए, बोले जिसकी कान में ये बंसुरी की आवाज हुई। और जब गोपियां रासों में आती हैं, कृष्ण कहते हैं स्वागत में महाभागा, हे गोपियां मैं तुमको स्वागत करता हूँ, जगत में सबसे बड़े भाग्यवती तुम हो, क्योंकि घर का सारे घर में जितने तुम्हारी बाधाएं थी सारे बाधाओं को तोड़ करके तुम लोग यहाँ पर आए, आपका घर में भी सभी घर में कुछ ना कुछ तो काम होगा, लेकिन जो लोग सब कुछ को पीछे रख करके कथा सुनने के लिए आते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं उनको स्वागत करता हूँ जो ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। इसलिए अभी प्रश्न होता है, भैया हम ये भागवत कथा 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठ कर क्यों सुने, अगर ये समय को हम किसी दूसरे काम में लगाते
हमें कुछ लाभ होता ये भागवत कथा सुनने से हमें क्या मिलेगा। तो भागवत में श्री राधा रानी कहती हैं, ये भागवत कथा में तुम्हें जितना लाभ मिलेगा जगत का और किसी चीज में उतना लाभ नहीं मिल सकती। इसलिए राधा रानी कहती हैं, जिस समय कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए, ब्रज गोपियां उनको ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते बोले एक काम करो, कृष्ण को भजन बड़ा प्यारा है, चलो हम सबके साथ यमुना किनारे में बैठ करके कन्या की कीर्तन करेंगे, उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। तो वो भजन करते करते कीर्तन करते करते उसमें राधा रानी एक श्लोक कहती है, कथा से क्या लाभ। देखो राधा रानी क्या कहती है, बोले तब कथा मृता बना कभी मेरे काल मसा तब कथा मृता जो ये कथा सुनेगा ये अमरत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। बोले कौन किसको कहां पर सुनाए, बोले सर्वप्रथम शंकर जी माता पार्वती को ये बात अमरनाथ में सुनाए थे। अब लोग कोई अमरनाथ गए हो, कौन कौन अमरनाथ गए, कोई भी नहीं, एक माता जी ने। इसलिए अभी भी वो स्थान है जहां पर शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनाए। बोले क्यों सुनाए, देखो इसकी कथा सुनो। बोले एक समय श्री नारद जी कैलाश में आए, उसी समय शंकर जी सत्संग में गए हुए थे। नारद जी जब आए, मैया पार्वती उनकी पूजा की, इतने में श्री नारद जी मैया पार्वती को बोले, बोले पार्वती आपकी बार में सोच करके हमें बड़ा कष्ट होता है। बोले क्या बात है,
बोले बात छोड़ो, बोल करके क्या होगा। अगर माताओं को आधी बात बताते ना, पेट में हजम नहीं होती जब तक बात को पूरी नहीं सुनी। बोले बताओ ना बात क्या। बोले बोल कर क्या होगा, छोड़ो ना, फिर ज्यादा भी पीछे पड़ेंगे। बोले बताओ ना बात क्या, बताओ। बोले देखो आपको पता है शंकर जी कि और भी एक कोई शादी है। कहते माताएं हर चीज को हजम कर सकती हैं, अगर उनको पता चली जाए अपना पति और किसको प्रेम करते ही और भी कोई शादी है ना, ये चीज को बचा नहीं सकती। बोले क्या बता रहे हो। बोले हाँ कभी शंकर जी बताए। बोले नहीं। बोले देखो आज जब शंकर जी सत्संग से आए ना, आप जाओ मान भवन में लेट जाओ, शंकर जी को तभी पूछना, एक बात पूछ लेना, उनकी गला में जो मुंडे की माला किसकी, यही बात पूछ लेना, अरे सारे रहस्य आपकी पता चली जाएगी। बस इतना नारद जी मैया को भड़काए और शंकर जी वहां से चले गए। इतने में जब श्री शंकर जी घर में आए, मैया पार्वती रोज उनका आरती उतारा करती थी, चरण धोती थी, गर्म गर्म रोटी पास में बैठा कर खिलाती थी, हवा करती थी, लेकिन आज देखा कोई भी स्वागत करने के लिए। पूछे भैया माता जी कहां। बोलो तो मान भवन में लेट रही है। इतने में शंकर जी जब हाथ ऊपर रखे ना, उन्हें तो हाथ को फेंक दी। बोले भैया क्या बात है, क्यों मान की। बोले उसको पास में जाओ। बोले किसको पास में। बोले और जिसको शादी किया। बोले भैया बात क्या, बताओ। बोले आप ये बताओ आपकी गले में जो मुंडे की माला किसकी है। शंकर जी बोले आपकी ये बात किसने बताया। बोले मेरे गुरु जी बताए, मेरे गुरु जी नारद जी बताए। बताओ ये गले में मुंडे की माला किसकी है और इसको क्यों हर समय धारण करते हो। हमने सुना और भी किसकी आप शादी करके रखे हो, अभी तक ये बात आपने मुझे बताया नहीं। तब शंकर जी बोले पार्वती मैं और किसको शादी नहीं, ये गले में जो मुंडे की माला है ना, ये तेरी है, क्योंकि पहले जन्म में तू सती थी और तेरे पिताजी मेरे को अपमान की तो तुमने इसको सहन नहीं कर पाई और कनखल में तुमने शरीर त्याग दी। बोले एक जन्म नहीं, कितने जन्मों से तुम शरीर त्याग देते हो। जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तब तक मैं तेरे सर को गले में माला रूप में धारण कर लेता हूं। इतने में मैया पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप कोई भोले बाबा हो, अभी तो मेरे को पता चला आप तो कपटी बाबा हो। बोले क्यों। बोले ऐसे कौन सा आपने अमर बोटी को पान करके रखे जो भी जो कि आप मर ही नहीं रहे, बताओ क्या पान करके रखे। शंकर जी कहते पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की तब से मैं ये अमरत्व को प्राप्त की। मैया पार्वती कहती है प्रभु आप मेरे को भी सुना दो, मैं तो मरती जा रही हूँ आप मर नहीं रहे हो। इतने में शंकर जी बोले देखो पार्वती ये कथा को सभी नहीं सुन सकते। बोले जन्मांतरी भवेत पुण्यम, करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो पार्वती तभी ये कथा को कोई सुन सकते हैं। बोले मैं तो सुन सकती ना। बोले हाँ तुम सुन सकती हो क्योंकि तुम्हारी अंदर में भक्ति और श्रद्धा। बोले फिर सुनाओ। बोले यहाँ नहीं, चलो तुमको मैं अमरनाथ में लेकर के बट वृक्ष को नीचे वहीं पर कथा सुनाऊंगा। शंकर जी लेकर गए। बोले देखो पार्वती जब मैं कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके सुनाऊंगा, तू हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले तू कथा सुना रहे। बोले ठीक है प्रभु जी। शंकर जी जय ध्वनि दिए। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। हम लोग जयकार दी तुमने करवा दो थोड़ा सा, मैंने समय बताया ना। अब जो जितने जोर से जयकार देगा उसको उतना ही पाप खत्म होगा और उतना पुण्य उदय होगा। जोर से बोलो। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। शंकर जी प्रारंभ कर दिया कथा को। शंकर जी सुनाते 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 जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने मुक्ति की मार्ग की बात बताए, तत्व की बात बताए, इतने में मैया पार्वती सो गई। सो गई तो हुंकार भरना बंद हो गया। भगवत इच्छा से उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। उसने देखा मैया तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, अभी शंकर जी कथा बंद कर देंगे।
कथा मेरी भी अधूर रह जाएगी। इतने में तोता भी हुंकार भरने लग गया, बोले आगे बताओ बड़ी प्यारी कथा, इसको बाद में क्या हुआ। शंकर तो बोले बाबा सुनाते सुनाते ही जा रही। जब विश्राम हो गया फिर जयकार देते हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, मैया की आंख खुल गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले किसको बाद में, कथा तो विश्राम हो गया। बोले नहीं मैं तो बीच में सो गई थी। बोले सो कैसे गई थी, तू तो अभी अभी हुंकार भर रही थी अभी। बोले नहीं मैं सो गई थी। इतने में शंकर जी ने देखा, अरे ये ब्रह्म ज्ञान को तत्व ज्ञान को किसने हरण किया, किसने छुप करके कथा सुनी। देखो नियम है कथा को सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए, छुप करके कथा नहीं सुननी चाहिए। पर फिर सुना किसने, क्योंकि ये कथा अमर कथा है, ये कथा अमर कथा, इसलिए जो सुनेगा वो अमरत्व प्राप्त करेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन लिया फिर तो वो अमर बनेगा तो दुनिया के लिए हानिकारक है। शंकर जी ने देखा उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा है। फिर तो शंकर जी मारने के लिए उसकी पीछा की, वो उड़ते जाए शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसे करते करते जब बद्रीनाथ में पहुंचे वहां पर भी व्यास देव अपना पत्नी की कथा सुना रहे, और उनकी पत्नी भी ऐसे हाँ करके भाव से ऐसे मुंह खोल करके कथा सुन रही थी। इतने में तोता वहीं पर गया, सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनकी मुखारविंद में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा भैया तोता यहीं तक तो आई, गायब कहां हो गई। श्री व्यास देव जी ने पूछा भोले बाबा जी कहां से भागते भागते आ रहे हो। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया, बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या, बोले जो सुनेगा मरेगा नहीं। बोले ये बताओ तोता ने कथा सुनी कि नहीं, बोले हाँ सुनी। बोले सचमुच से आप भोले ही हो। जब ये तोता ने कथा सुन लिया फिर उसको मारने के लिए आप पीछा कैसे कर रहे हो। शंकर जी बोले भैया अभी तक तो ध्यान ही नहीं था, फिर ये सुनी कैसे। तब शंकर जी सोच रहे हैं ये तोता कोई साधारण तोता हो ही नहीं सकती। बोले क्यों, बोले साधारण व्यक्ति कभी भी ये कथा सुन नहीं सकता, करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर तभी कोई कथा सुन सकते हैं, पर ये तोता सुनी कैसे। शंकर जी ध्यानस्थ तो हुए, ध्यान में उन्होंने सब कुछ देखा। बोले क्या देखा, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबन एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। शंकर जी ने क्या देखा, बोले ये जो तोता है ये गोलोक वृंदावन में श्री राधा जी की ये प्रिय तोता है। राधा रानी हर समय अपना आंखों से अश्रु विसर्जन करती है। बोले क्यों, कि ये जगत में जितने जीव है हम सब भगवान के संतान है, सबके सब हम ठाकुर जी के संतान है। माँ कभी भी बच्चों का दुख नहीं देख सकती। बच्चे अगर सुखी हो पिता माता तो सुखी रहते हैं, बच्चे अगर दुखी होना पिता माता भी दुखी होती है। जगत का माता कौन है, बोले श्री राधा रानी ये जगत की माँ है, इसलिए ये कभी बच्चों का दुख नहीं देख सकती है। हर समय राधा रानी की आंखों से अश्रु विसर्जन होती रहती है। जगत में जीव जा करके संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। इसलिए दुख को देख करके श्री किशोरी जी आंखों से आंसुओं की अश्रु विसर्जन करती है। इसलिए इतने में श्री राधा रानी ये जो तोता है प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया ये गोलोक वृंदावन में ये राधा जी की ये प्रिय तोता है। कभी कभी राधा रानी ये तोता को हाथ में बैठा करके आनार की दाना खिलाती है और उसको कृष्ण नाम पढ़ाती है, और कभी कभी राधा रानी ये तोते को कृष्ण रूप मान करके
कभी कभी उनको चुंबन करती है। चुंबन करने पर राधा जी की जो अधरा मृत ये तोते के मुंह में लगा हुआ, इसलिए हम आगे सुनेंगे वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, 88,000 ऋषि लोग। लेकिन ये कथा सुने तो ये सुखदेव गोस्वामी से क्यों सुने, ये सबसे छोटे थे 16 साल के, वहां पर उनकी पिता उनके पिता उनको पिता, कोई 100 साल कोई 500 साल कोई 1,000 साल, बड़े बड़े जटाजुटधारी वहां पर साधु लोग बैठे हुए थे। लेकिन ये कथा जब सुने ये श्री सुखदेव गोस्वामी से ही क्यों सुने, बोले कारण है, बोले ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाय, बोले ये राधा रानी की ये प्रिय तोता है। एक दिन क्या हुआ, ये तोता एक दिन बरसाना से राधा जी के हाथ से उड़ते 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 नंदगांव चला गया और एक पेड़ के ऊपर बैठ करके राधा जी की बड़ी सुंदर सुंदर भजन गा रही थी। बोले राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, दूध के श्याम बजाई राधे राधे, दूध की धार श्याम बजाई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, यमुना के धार से आवाज आई राधे राधे, यमुना के धार से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, तोता भी बोले राधे, कोयल भी बोले राधे, तोता भी बोले राधे, मोर भी बोले राधे, यमुना की धार यमुना की धार राधे राधे। इतने में कृष्ण सुन करके चौंक उठे। एक समय श्री राधा रानी कृष्ण विरह में एक श्लोक उच्चारण की थी, कैसे मेरी प्रेम श्री श्याम सुंदर से हो गया। लेकिन वो श्याम सुंदर तो साधारण व्यक्ति है ही नहीं, वो तो बड़ा दुर्लभ पुरुष है। लेकिन अभी वो श्याम सुंदर को मैं प्राप्त कैसे करूं। एक दिन राधा रानी कृष्ण विरह में 4 लाइन की एक श्लोक उच्चारण की, लेकिन ये तोता इतना चतुर इतना बेचिखण तोता था, एक बार श्लोक को तो सुना लेकिन उसको रट लिया, रट करके ये श्लोक को बोल रहा था। इतने में कृष्ण बोले भैया इतने सुंदर श्लोक कौन उच्चारण कर रहे हैं। कृष्ण वो तोता को बुलाया, वो तोता उड़ते हुए कृष्ण के हाथ में बैठ गया। बोले बोलो तो अभी जो जो श्लोक को बोल रहा था। वो तोता ने बड़ी मीठी मीठी स्वर से 4 लाइन का एक श्लोक को उन्होंने उच्चारण किया। बोले बाबा रे
ये तोता होकर के संस्कृत श्लोक बोलता है और गला कैसे बोले जैसे श्री किशोर जी की बोला गला है। कृष्ण ने एक पिंजरा बनाए सोने की और पिंजरा में वो तोते को रख लिए। इतने में राधा रानी बड़ी दुखी हो गई, बोले मेरी तोता उड़ते हुए कहाँ गया। एक माधुरी का नाम का एक सखी को बोले देखो तो मेरी तोता कहाँ पर। देखा कृष्ण हाथ में बैठा करके बड़े लाल लड़ा रहे हैं और अनार की दाना खिला रहे थे। इतने में बोले देखो श्याम सुंदर ये तोता हमारे किशोर जी की तोता है, इसको दे दो। कृष्ण ने कहा अगर तुम्हारी किशोर जी की तोता है फिर तुम बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए अगर तुम्हारी हाथ में चले जाए फिर मैं समझूंगा भैया तोता तुम्हारे, तुम ले लेना। बोले जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जो एक बार तुम्हारे हाथ में बैठे और तुम उसको लार लड़ाओगे तुम्हें कोई छोड़ेगा। इसलिए तुम्हारा नाम ही कृष्ण है। कृष्ण मतलब क्या है, क्री मतलब होता है आकर्षण करना और स्ना मतलब आनंद देना। जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में आकर्षण करते हैं, जो आनंद प्रदान करते हैं वो श्री कृष्ण है। बोले तुम्हें कोई छोड़ सकता है फिर? बोले भैया फिर तो मेरा तोता तू जा। अभी वो गया मैया जसोदा को पास में, बोले मैया जसोदा हमारी किशोर जी की तोता उड़ते हुए आ गया और श्याम सुंदर पकड़ लिया देना नहीं चाहता है। राधा रानी बड़ी दुखी, बोले बेटी चिंता मत करो कृष्ण जब गैया चराने जाएंगे पीछे से ये तोते को फिर मैं भेज दूंगी। फिर पीछे से वो तोते को भेज दी। इसलिए वही तोता, बोले कौन सा तोता है, जिसने राधा कृष्ण के निकुंज महल में रहते थे राधा कृष्ण की सारी लीला को जो देखा है। इसलिए जैसे भगवान राम जब ये दुनिया छोड़ करके गए सबको लेकर गए लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ कर गए। किसको छोड़ कर गए थे? हनुमान जी को। बोले क्यों? बोले अगर तुम चले जाओगे फिर जगत में मेरी भक्ति कौन प्रचार करेगा। उसी तरह जब श्याम सुंदर गए सबको लेकर गए, ये तोता भी तैयारी हुआ जाने के लिए, तब राधा रानी श्याम सुंदर बोले देखो अगर तू चले जाओगे तो मेरी भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा, तुम रह जाओ। जब कृष्ण चले गए तोता बड़ा दुखी हो गया। ऐसे भटकते भटकते जब उन्होंने पहुंचा कैलाश में, देखा शंकर जी श्री पार्वती को राधा कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी कथा सुना रहे थे। फिर वही तोता ने ये भागवत कथा सुनी और व्यास देव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश की। वही फिर श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में आएंगे और जगत में ये भागवत धर्म प्रचार करेंगे। इसलिए शंकर जी अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ दर्शन किया। फिर समझ गए भैया कथा सुनाना सार्थक हो गया क्योंकि ये तोता कोई साधारण तोता नहीं। फिर शंकर जी परिक्रमा करते हुए प्रणाम करते हुए शंकर जी वहीं से चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। इसलिए श्री राधा रानी कहती है कथा सुनने का पहला लाभ क्या, बोले अमरत्व को प्राप्त करोगे। ये कथा सुन करके कौन अमर बने? शंकर जी स्वयं कहते पार्वती मैं ये कथा सुन करके अमर मैं स्वयं बना। और पार्वती को जब उन्होंने अमरनाथ में कथा सुनाए जो जगदम्बा जग जननी, तब तक ये शरीर को छोड़ते रही जब तक ये कथा नहीं सुनी। लेकिन जब से पार्वती ये कथा सुनी तब से फिर शरीर नहीं छोड़ती है। आप ये चीज को समझो, जो कथा सुन करके शंकर स्वयं कहते हैं जो मैं सत्यम शिवम सुंदरम जो जोगी जोगी महाजोगी और जो जगदम्बा माता जननी भी यही कथा सुन करके अमरत्व को प्राप्त की। अगर हम भी कथा सुनेंगे ना हम भी अमरत्व की प्राप्ति करेंगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले बोले परीक्षित तेरे को कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यहाँ बैठो और कथा सुनो। कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं होता है मैं ये संसार से मुक्त होकर के ठाकुर जी के चरण में नहीं पहुंच गया तब तक मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ क्या है? अमर बने, ये पहला लाभ है।
आप लोग गिन रहे कि नहीं, मैं कल पूछूंगा सबको। ये पहला लाभ कथा सुनने का, ये राधा रानी खुद कहती है। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले तब कथा अमृतम ताप्त जीवनाम कभी विरीरिताम कल्मषापहम। कहते कथा सुनने का दूसरा लाभ है तप्त जीवनम। कहते संसार में हम दुखी है, तन से, मन से, धन से, परिवार से, पैसा से, पड़ोसी से, मन से हम दुखी दुखी है। अगर ये दुख से कोई निकलना चाहते हैं भैया क्या करो, बोले कथा सुनो। कथा सुनने का दूसरा लाभ है जितने दुख कष्ट से आप मुक्त हो जाओ। देखो इसका प्रमाण देखो, हम संसार में तरह तरह से दुखी, तन से, मन से, धन से दुखी, लेकिन आप देखोगे जब तक आप यहाँ बैठोगे ना, जब तक आप लोग यहाँ बैठे रहोगे, संसार का कोई दुख तुम्हें याद है अभी? देखो ये जो बच्चे लोग आते हैं ना सामने, प्रभु जी इनको आने मत दिया करो, ये बच्चों को बैठा दो। माताएं ये बच्चों को सामने आने मत दिया करो, चुपचाप बैठो कथा सुनो। हाँ, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, देखना दो घंटा तीन घंटा यहाँ पर बैठेंगे कथा सुनेंगे। यद्यपि हम संसार में दुखी है, आप देखना जब तक यहाँ बैठे रहोगे संसार का कोई दुख भी तुम्हें याद नहीं आएगा। लेकिन केवल कथा से निकलो, पैंडल से बाहर जाओ, देखना जैसे दुनिया की सारे दुख आकर के एकदम पर पहाड़ जैसे सर पर लग जाएगी, केवल ये कथा से निकलते ही। लेकिन जब तक ये कथा में बैठोगे तब तक कोई भी दुख कष्ट हमें नहीं सताएगा। ये कथा नहीं सुन रहे हैं, ठाकुर जी की बांके बिहार की गोद में बैठे, क्योंकि कथा मतलब है स्वयं ठाकुर जी, भगवान। उनकी कथा में कोई फर्क नहीं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं और कहीं नहीं रहता हूँ, जहां पर मेरे भक्त जन मेरी कथा करते हैं, मेरी कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए कथा सुनने का दूसरा लाभ है दुख कष्ट से आप निकल जाओगे। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कभी भी रीढ़ी तक। ये कथा को बोलने वाले कौन है, इसलिए इसका नाम भागवत क्यों पड़ा, बोले भगवत प्रोक्तम इति भागवतम। ये सर्वप्रथम कृष्ण की मुखार बिंद से कथा निकली, इसलिए भागवत का एक नाम चतुश्लोकी, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी व्यास को, व्यास सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी सुतो गोस्वामी, सुतो गोस्वामी सोनकादि ऋषि। ये परंपरा से ये कथा आई है, इसलिए जिस कथा को बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, जिसको स्वयं शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, जिस कथा को गान करते रहते हैं, इसलिए बोले बड़े बड़े साधुओं को द्वारा ये कथा बोली जाती है। इसलिए बोले कलमसा अपहम, अगर ये कथा को कोई सुनेगा, जीवन का जितने पाप है सारे पाप तुम्हारे निकल जाएंगे, सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। अब लोग ने वाल्मीकि का नाम सुने हो, सुने कि नहीं, ये पहले डाकू था, ये दशरथनाकर था, वो डाकू था, लेकिन ये मुक्त कैसे हुए, इतना बड़ा पापी था। जब नारद जी मिले, बोले भैया राम बोलो, वो इतना बड़ा पापी था उसको मुंह से राम नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता हूँ, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माही। अगर उल्टा नाम जब करते करते दशरथना कर से वो वाल्मीकि बन गया। आप लोग रामायण देखे हो, लव कुश देखे होंगे, राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिख दी और ये लव कुश को उन्होंने अध्ययन पढ़ाया उन्होंने। इसलिए कथा सुनने का जो तीसरा लाभ है, जितना तुम्हारे पाप है सारे पाप भूल जाएंगे। बोले चौथा लाभ क्या है, बोले श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम। अगर कोई कथा सुनेगा, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। अब कहते छोटी सी कथा सुनाता हूं रामायण की, आपको पता नहीं ये कथा पता होता है क्या, कुछ भी पता नहीं, लेकिन आप अनजान में आकर के कथा में बैठे,
और ये कथा को आपने सुन लिया, देखो कितना पुण्य है। ये कथा स्वयं वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले ये वाल्मीकि रामायण में ये कथा कहते हैं। बोले एक समय ये पृथ्वी में एक राजा एक रानी थे जिनका नाम सुमति और सत्यवती था। लेकिन देश का राजा रानी होते हुए भी उनका राम दरबार था। दोनों पति पत्नी अपना हाथों से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे, अपना हाथों से ठाकुर जी के लिए माला बनाते थे, अपना हाथों से रोसी बना करके ठाकुर को खिलाते थे। अब लोग ये कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि जो लोग ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं अपना हाथों से, देखो इसका कितना पुण्य कितने महत्व है। ये कथा में बताया जब उनको थोड़ी समय मिले, स्वयं राजा बैठ करके वाल्मीकि रामायण पढ़ते थे और रानी बैठ करके कथा सुनते थे। और जब थोड़ी समय मिले राजा रानी दोनों ये माला को लेकर के, राजा रानी दोनों ये माला जब करते थे, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। दोनों बैठ करके हरि नाम करते थे। एक दिन एक ऋषि जिसका नाम था विभांड ऋषि, जब उन्होंने राजा का राज्य में आए और राजा रानी की जब भक्ति को देखा आश्चर्य में पड़ गए। अगर हमारे पास में पैसा हो कोई मंदिर बना दिया ना, देखना खुद अपना हाथों से सेवा नहीं करेगा कि पूजा रख देगा, स्वयं अपना हाथों से पूजा सेवा नहीं करेगा। लेकिन ये देश का राजा रानी होते हुए भी अपना हाथों से सारे सेवा 26 घंटा प्रभु की भजन भक्ति में डूबे रहते थे। ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा। ऋषि ने कहा महाराज ये तो बड़े बड़े संतों का जीवन में भी नहीं दिखती है, 24 घंटा में 24 घंटा प्रभु की भक्ति पूजा पाठ, आपकी ये मति कैसे हुई? तब श्री राजा कहते हैं बोले बाबा ये बात अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन चूंकि आप संत हो, संतों को पास में कोई बात को छुपानी नहीं चाहिए। देखो एक बात बताए, अपना भक्ति की बात संत को नहीं बोलनी चाहिए। जैसे आप ठाकुर जी की बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कोई स्वप्न देखा, ये सबको मत कहा करो, उसी को बताओ तुम्हारी भावना को जो समझेगा और आगे तुम्हें उत्साह देगा। अगर जैसे तैसे व्यक्ति को बोलोगे ना, बोले बेकार से बात, क्या भगवान भगवान क्या स्वप्न देखा, थोड़ी बहुत जो भक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए संत कहते हैं अपना भक्ति की बात सबको मत कहा करो, जो समझेगा उससे बताएगा, जो तुम्हें आगे भक्ति की बात बढ़ाएगी। बोले बाबा पहला बार आपको मैं बता रहा हूं, चूंकि आप संत हो, मैं जाति स्वर हूं। जाति स्वर मतलब क्या? जिनको पूर्व जन्म की बात याद हो। बोले मेरे को 4 जन्म की बात याद है। बोले 4 जन्म की? बोले बताओ। बोले 4 जन्म से पहले मेरा नाम था मालती, मैं बड़ा दुष्ट था, घर वाले मेरे को परेशानी होकर घर से निकाल दिया। मेरी जो रानी को देख रहे हो इसका नाम थी काली, इसने तो अपना पति को ही हत्या कर दी, इसकी घर वाले भी इसको घर से निकाल दिए। दोनों भ्रमण करते करते जंगल में मिले तो अकेले जीवन बीतने रहता था, दोनों इकट्ठे रहने लगे, जानवर को मार करके मांस खाते थे, जीविका निर्वाह करते थे। लेकिन जब हम दोनों वृद्ध हो गए, आहार और संग्रह नहीं हो रहा है,
बड़ी कष्ट से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन देखा पास में श्री वशिष्ठ जी का आश्रम था, देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित होते हुए। हमने कहा भैया आज इतने लोग यहाँ पर क्यों? वहां पर गए, हमने सुना यहाँ पर ये राम नवमी है, यहाँ पर 9 दिन तक प्रभु राम की कथा होगी, जो कथा सुनने आएंगे कथा के बाद में प्रसाद की व्यवस्था। भैया हम तो बड़े खुश हो गए, अभी तो 9 दिन तक खाने पीने का कोई चिंता ही नहीं, आओ कथा में बैठो बाद में प्रसाद पाओ। केवल हम प्रसाद के लोभ से जाते थे, बैठते थे कथा के बाद में प्रसाद पाते थे। जब ऐसे जीवन बीत गई, मृत्यु के बाद में हम दोनों को जमदूत पकड़ करके जमपुरी ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को बोले, चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त जो हमारे जीवन का सब लिखाई पढ़ाई कर रहा है, सब नोट कर रहा है हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गुप्त मतलब होता है छुपा करके, चित्र मतलब फटो। कोई अगर सोचे हम 10 तला बिल्डिंग के ऊपर में दरवाजा बंद करके कुछ कर रहा हूं, थोड़ी कोई देख रहा हूं, बोले नहीं, दिन में सूर्य का किरण सब जगह में, ये सूर्य साखी है, रात का चंद्रमा का किरण सब जगह में, रात सब जगह में, कहते कोई बात भी हम छुपा करके नहीं कर सकते, वो सबके सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, मृत्यु के बाद में सारे काफी खोलेगी। जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका जीवन का हिसाब किताब निकालो, बोले महाराज ये दोनों बड़े दुष्ट थे, दोनों ही दुष्ट थे। बोले देखो थोड़ी बहुत पुण्य भी तो होगा, बोले एक पुण्य है वशिष्ठ जी के आश्रम पर 9 दिन तक प्रभु राम की कथा सुने, कथा के बाद में प्रसाद पाया, इतना पुण्य है। जब महाराज सुनते ही जितने हमारी पाप था उन्होंने काट दिया, समझे सारे पाप को उसने काट दिए। बोले प्रभु राम की कथा सुने प्रसाद पाए ठाकुर जी की, और हम दोनों को रमा वैकुंठ में 100 साल के लिए भेज दिया, वहां पर जितने ऐश्वर्य भोग किया वर्णन नहीं कर सकते, उसको बाद में ब्रह्मलोक में भेजे, वहां भी 100 साल तक ब्रह्मा बन करके सारे भोग ऐश्वर्य को भोग की, उसको बाद में 100 साल के लिए हमें स्वर्ग में भेजी गई, वहां भी इंद्र इंद्राणी बन करके सारे ऐश्वर्य को भोगे, और उसको बाद में 100 साल के लिए अभी हम पृथ्वी का राज्यत्व को प्राप्त किए। हमें ये 4 जन्म की बात याद है, अगर अनजान में कथा की महिमा नहीं जानते थे, किसी तरह से खाने के लोभ से अगर बैठ गए और प्रभु की कथा और प्रसाद पा करके अगर इतने पुण्य हो सकता है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी इधर उधर समय को नहीं गमा करके हर समय ठाकुर का नाम कीर्तन भजन पूजा में हम दोनों लगे हुए, और मंत्री को कहते हैं राजकार्य तुम लोग देखो, हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती है श्रवण मंगलम, अगर कोई भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं जो ऊपर जाओ ना, जब महाराज काफी खुलेंगे सब निकलेगा। हम लोग ने 7 दिन तक बैठ करके ये भागवत कथा श्रवण की, इसका इतने पुण्य जो सोच भी नहीं सकते हो, इतने पुण्य। इसलिए आगे हम सुनेंगे ये धुंधुकारी जब प्रेत जनि को प्राप्त की, गया में जाकर के पिंड दिया गोकर्ण ने, लेकिन वहां पर भगवान की चरण छाप है, ठाकुर का आशीर्वाद है। एक बार कोई गया में आए, एक बार केवल पितृ पुरुष को उद्देश्य में एक बार पिंड दो, वो सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन गोकर्ण ने जब पिंड प्रदान की, फिर आकर देखा फिर भूत बनकर बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर गया में पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप हमने की, एक बार क्यों, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, इतने बड़ा पापी। लेकिन उसको मुक्ति कैसे मिली? केवल भागवत कथा से, केवल भागवत कथा से मुक्ति मिली। तात्पर्य है केवल एक बार आओ और कथा में बैठ जाओ, और कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान की कथा सुना, देखो कि 7 दिन में सारे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएगी और हम भगवत लोगों को प्राप्त करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री राम। इसलिए कथा सुनने का जो चौथा लाभ है श्रवण मंगल। बोले पंचवा लाभ क्या है?
बोले श्री, श्री मतलब होता है संपत्ति। जो भगवत कथा श्रवण करेगा, घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। घर में माँ लक्ष्मी खूब आती है। घर में क्यों, लक्ष्मी कहाँ पर रहती है, नारायण के चरण में रहती है। माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है। और श्री मतलब होता है शोभा, जगत में उसकी शोभा, जगत में उसकी महिमा, नाम भी सारा दुनिया में जय जयकार होता है। और बोलता मतलब संसार का जो बंधन है, वो संसार का बंधन भी खत्म हो जाता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है। कोई स्कूल खोले, कोई कॉलेज खोले, कोई अन्न छत्र खोले, कोई तपस्या दान करे, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान है ये भागवत कथा को जो दान देते हैं। राधा रानी कहती, इसी से बड़ा दान पृथ्वी में कुछ नहीं, सबसे बड़ा दान जो भागवत कथा को जो दान करते हैं। इसलिए हमारे प्रभु जी हर बार, हमारे प्रभु जी क्या नाम, प्रभु जी आप क्या, विनोद बिहारी प्रभु जी हैं, सारे भक्तों को लेकर के जो हर साल ये भागवत कथा कराते हैं, समझो इसकी बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति का मन अगर प्रभु की भजन में लग गई, शास्त्र कहता है करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल और नक्षत्र खोलने से भी ज्यादा महत्व है अगर एक व्यक्ति का मन अगर ठाकुर जी की भजन में लग जाता है। इसलिए ये जो भागवत कथा जगत में सबसे बड़ा पुण्य कथा है ये। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए ये ग्रंथ का नाम क्या है, बोले श्रीमद् भागवत। बोले भैया ये भागवत का मतलब क्या है, बोले भा मतलब, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले गा, बोले गीयते नारदादिभिः, बोले ब, बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले त, बोले तरणी च भवार्णवः। यदि जो चार अक्षर भागवत में, ये अक्षर में ही इसका सारे तात्पर्य है। भा मतलब होता है जिसका स्वभाव, मतलब भाती सर्वेषु लोकेषु। इसलिए स्वयं श्री उद्धव जी कहते हैं, मतलब जिस समय भगवान ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने तीन देवता को सृष्टि किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम संहार करना, विष्णु को बोले तुम्हारी काम पालन करना। ब्रह्मा जी कहते बोले प्रभु ये सृष्टि रजगुण का काम है, मैं कैसे रजगुण से मुक्त हूं। बोले अगर तुम 7 दिन तक ये कथा सुनोगे ना, ये रजगुण तुम्हें व्याप्त नहीं करेगा और भागवत कथा की महात्म से तुम जगत को सृष्टि कर सकते हो। इतने में विष्णु आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से दुनिया को मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूं। बोले आप भी सुना, आप भी सुना, देखो कथा के कितने महत्व। जब भगवान विष्णु स्वयं कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी बैठी करके कथा सुनती है। नारायण कितने दिन में कथा को विश्राम देते हैं, बोले 1 महीना। हम लोग तो 7 दिन में कथा को विश्राम देंगे। जब नारायण बोलते हैं, बड़े व्याख्या करके बोलते हैं, 1 महीना लग जाती है। फिर माँ लक्ष्मी स्वयं कथा सुनाती है और नारायण बैठ करके कथा सुनते हैं। बोले लक्ष्मी बोले 2 महीना में कथा को पूरी करती है। नारायण की कथा में जितने मीठा है, लक्ष्मी कथा में उससे भी ज्यादा मीठा है। अभी शंकर जी आए, बोले प्रभु ये जो संघार का काम, ये तम गुण का काम है, ये तम गुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी, दुनिया को संघार कैसे करूंगा। बोले देखो श्री, बोले तुम भी कथा सुना और सुना। जब शंकर जी कथा सुनाते हैं, शंकर जी कौन है, बोले वैष्णवा नाम यथा संभो। इसलिए गोस्वामी जी कहते सी विषम को रघुपति व्रतधारी, शंकर जी के बराबर प्रभु के भक्त कौन हो सकता है। इसलिए हर अवतार में शंकर के बगैर कोई लीला नहीं होता। इसलिए शंकर परम वैष्णव है। जब वो कथा सुनाते हैं ना, इतने सुंदर व्याख्या करते हैं, 1 साल में ये भागवत कथा को पूरी करते हैं। अरे मैया पार्वती कथा सुनाती है, बोले पार्वती कौन, बोले वैष्णव।
वैष्णवी देवी है ना, इसलिए जब माता पार्वती कथा करती हैं शंकर से भी ज्यादा सुंदर कथा, इसलिए उनको 2 साल लगती हैं पूरी करने में, कथा को 2 साल लग जाती है। देखो ये कथा की कितने महत्व है, ब्रह्मा जी कथा की महात्म से जगत को सृष्टि करते हैं, कथा की महात्म से विष्णु जगत को पालन करते हैं, और कथा की महात्म से स्वयं शंकर जी जगत को संहार करते हैं। मतलब दुनिया में जो कुछ काम हो रहा है समझना केवल ये भागवत कथा की प्रभाव से होती है। इसलिए भा मतलब होता है बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, सारे लोक में जिसकी महिमा है। बोले का मतलब बोले गीयते नारदादि भी, जिस कथा को नारदादि बड़े बड़े महात्मा महापुरुष जिस कथा को गान करते हैं। बोले बा मतलब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जितने सारे ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये भागवत है, इसलिए भागवत को बताए बोले सर्व वेद इतिहासानाम सार सार समुद्रितम, जितने वेद पुराण उपनिषद है सारे शास्त्रों का अगर निचोड़ लोगे ना बोले ये भागवत है। बोले तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्रस्यात् रतिकुचित, अगर ये भागवत रस को कोई पान कर ले फिर तो उसको दूसरे किसी ग्रंथ में रुचि नहीं रह जाती है। इसलिए श्री व्यास देव जी ने सारे ग्रंथ को तो रचना की लेकिन शांति नहीं मिली, लेकिन शांति कब मिली जब उन्होंने भागवत ग्रंथ को रचना की, इसलिए सारे ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ। बोले त मतलब बोले तरणी च भवार नवा, अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, सारे दुख कष्ट से कोई मुक्त होना चाहते हैं, बोले क्या करो बोले अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवतम स्वरूप, भागवत को उदाहरण दिया कि संसार से पार होने के लिए एक सेतु है जिसमें चलते 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 आप संसार से पार हो जाओगे। इसलिए इसमें जो 4 अक्षर है, 4 अक्षर में समझो सब कुछ, ये 4 अक्षर में विद्यमान है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय जय श्री राधे। अभी आप लोग भजन सुन लो, प्रभु जी एक सुंदर भजन सुनाएंगे और भजन में सबको नृत्य करना, ठीक है ना। ठाकुर के सामने नाचने से हम जो दुनिया में 84 लाख जोनि में जो नाच रहे ना, तब तक नाचते रहेंगे जब तक ठाकुर का कीर्तन में नहीं नाच लेते। अगर हाँ आ जा, ओ प्रभु जी कहीं गए हुए, ठीक है अब आ रहे 2 मिनट रुक जाओ। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय, बोले गोविंद राधा रानी की जय, राधा रानी
सुतो गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते ही महात्मा को सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करते हैं। किसको चरण में? बोले श्री कृष्ण को चरण में। बोले श्री कृष्ण मतलब बोले केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे, बोले श्री को साथ में कृष्ण, श्री मतलब श्री राधा रानी। इसलिए शिक्षा देते हैं भैया अकेले कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है अकेला माधव पूजय सो अज्ञानी, जो अज्ञानी है वो अकेले कृष्ण पूजा करते हैं, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ देखना, किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कहीं कोई नहीं मिलेगा। वृंदावन में किसकी नाम लेते हैं? और जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हाँ, वृंदावन में सबके सब श्री किशोर जी के नाम लेते हैं। बोले भैया कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं, राधे राधे क्यों बोलते हैं? कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले रास सप्त कुर्बन तस्मात् तदामी भक्ति उत्तमम्, रास सप्त कुर्बन पश्चाद धा विश्रवण लोभा। कृष्ण स्वयं राधा नाम की महिमा कृष्ण स्वयं बताते हैं। अगर कोई रा अक्षर बोल दिया, कृष्ण कहते भैया मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ। बोले क्यों? बोले मेरी जो राधा जी की रा अक्षर बोला मैं उसको दूं किया। लेकिन ये रा अक्षर का इतना महत्व है, कहते विश्व ब्रह्मांड में उसको देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं रह जाता, इतने रा अक्षर की महत्व। मैं खुद को खुद दे देता हूँ, भैया आज से मैं तेरा हो गया। अगर कोई धा बोलते, रा धा, ये दो अक्षर बोलते बोले उसको सुनने के लिए मैं उसको पीछे पीछे भागते रहता हूँ। वो जिधर जिधर चलता है ना मैं भी उधर उधर चलता हूँ। इसलिए एक भजन गाते हैं बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी भोली वाली चंचल 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 बिहारी। राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी,
राधा रानी मिश्री तो साद है बिहारी राधे राधे रंग चले आएंगे बिहारी राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी राधे राधे रंग चले आएंगे बिहार जय हो। राधा शब्द को उल्टा दो बताओ तो क्या होगा, क्या होगा? धारा। बोले ये राधा रानी नहीं, ये कौन है? बोले कृष्ण प्रेम रस की ये धारा है। ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा श्री राधा रानी। इसलिए प्रथम श्लोक में श्री राधा जी को साथ में कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले भैया नम मतलब होता है अहंकार परित्याग पूर्वक ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाओ। बोले भैया ठाकुर जी के चरण में शरणागत होंगे तो मिलेगा क्या? बोले तुम्हें 6 लाभ की लाभ होगा। ठाकुर जी के चरण में जाओगे ना 6 लाभ होगा। बोले 6 लाभ क्या है? बोले सचिदानंद रूपाय। बोले भगवान के स्वरूप कैसे है? सात चीत और आनंद। अगर ठाकुर जी की शरण में जाओगे ना, पहले तो तुम अमर बनोगे, कभी बूढ़ा नहीं बनोगे, कभी बूढ़ी नहीं बनोगे। सत्य मतलब सत्य है, ठाकुर जैसे सत्य हम भी सत्य बन जाएंगे। चीत मतलब होता है ज्ञान। अगर ठाकुर जी की शरण में जाओगे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। बोले तीसरा लाभ, बोले आनंद। हम सबके सब आनंद की खोज करते हैं, इसलिए जीवन में सत्य मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और जीवन में आनंद मिलेगा। और क्या मिलेगा? बोले ताप त्रय विनाशाय। बोले जगत में आने पर सबको ये 3 तरह का दुख सबको भोगना पड़ता है। पहला दुख ये मानसिक कष्ट है, सारे बीमारी का दवा, लेकिन मानसिक कष्ट का कोई दवा नहीं। अगर ठाकुर जी की चरण में जाओगे ना, जो मानसिक कष्ट ये नष्ट हो जाएगी। दूसरा है आदि देवी, ये देवताओं के द्वारा जो कष्ट, जैसे कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी भूचाल आ गई, कोई फ्लू आ गया, कभी देवताओं के द्वारा है। अगर ठाकुर की शरण में जाओगे तो दुख दूर हो जाएगा। तीसरा जो कष्ट है आदि भक्ति, मतलब एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट होता है, जैसे जाति जाति में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, मच्छर काट दिया, सांप काट दिया, लड़ाई झगड़ा, जितने अशांति, ये सब के सब दुख दूर हो जाएगा जब श्री ठाकुर की शरण में हम जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये कथा सुनाए, देखो कथा सुनने का कितना लाभ है। कथा जब विश्राम हो गया, गोलोक वृंदावन से विमान आया, परीक्षित महाराज एक बड़ी सुंदर गोपी स्वरूप को धारण करते हुए बैठे और भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक पार करते हुए सीधा ठाकुर का धाम में चले गए। ब्रह्मा जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा। बोले भैया परीक्षित तो कुछ भी नहीं किया, कोई ध्यान ध्यान जोग तपस्या कुछ नहीं, केवल बैठे बैठ कर कथा ही तो सुना और तो कुछ किए नहीं। और कथा के इतने महत्व, वो सीधा सारे लोक को पार करते हुए गोलोक वृंदावन। तब ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में के तराजू में, एक तराजू के एक तरफ में ये जगत का जितने पुण्य हो सकता है, जितने पृथ्वी का पुण्य हो सकती है, ध्यान ध्यान तपस्या स्कूल कॉलेज जो कुछ जगत में पुण्य धर्म है, तराजू का एक तरफ में धर दिए। तराजू के दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा की महिमा को धरा। देखा जिधर भागवत कथा की महिमा को रखे, पत्थर के पत्थर जैसे वो जमा रहा और जगत का जितने सत्कर्म पुण्य सब के सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा को पता चला, मतलब है आप ये भागवत कथा को सामने
जगत का कोई भी पुण्य कर्म को, कोई भी सत्कर्म को आप कभी बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए ब्रह्मा जी कौन है? ये महाभागवत है, बड़े संत हैं। बोले भैया आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर भागवत कथा चलते रहे, हर समय प्रभु की कथा होनी चाहिए। कदी ये जो नारद जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से उन्होंने कथा सुनी, लेकिन ये चतुसन से उन्होंने ये कथा को नियम और विधि विधान पूर्वक सुना। सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न करते बोले क्यों ये विधि विधान से कथा को क्यों सुने? तो उसका कारण बताए, एक दिन श्री नारद जी ये मर्त्य लोगों को पुण्य भूमि मान करके मर्त्य जगत में आए, क्योंकि जो भारत है ये पुण्य भूमि है। इसका नाम भारत, भारत का मतलब क्या है? भा मतलब होता है प्रकाश, और रत मतलब है जो हर समय प्रकाश का तरफ में रहते, केवल प्रकाश की तरफ में हर समय जो रत रहे, इसका नाम भारत है। इसलिए देखो जितने वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत, कौन सा धर्म में बताओ हमारी भारत में? अब दूसरे धर्म में देखो कोई एक ग्रंथ मिलेगा, कहीं बाइबल एक पुराण मिल गया, लेकिन हमारे भारत में देखो चार वेद है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, 18 पुराण है, महाभारत है जिसमें भगवत गीता है। जितने पुण्य भूमि, जितने पुण्य नदी कहाँ पर है पृथ्वी में? गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कहाँ पर है? भारत में, और कहीं नहीं है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या कहाँ पर है? भारत में। केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री रामेश्वर कहाँ पर है? कहाँ पर ही सब है? कहीं विदेश में गई है? कहीं नहीं, ये सब के सब भारत में। इसलिए भैया भारत में ये देवता लोग भी, एकादश स्कंध में बताया, ये देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते बोले प्रभु हमें ये भारत भूमि में जन्म दो। और भारत भूमि में कहाँ पर? बोले हिंदू घर में हमें जन्म दो। ये देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान जो कि हम सबके सब श्री सनातन धर्म में और श्री भारत में हम लोग ने जन्म ग्रहण किया। इसलिए नारद जी स्वर्ग लोग से आते हैं। बोले क्यों? बोले ये भारत भूमि पुण्य भूमि है, चलो हम पुण्य भूमि श्री भारत को चलते हैं। जब भारत में आए ना, देखा ये कलयुग प्रारंभ हो गई, कली सर्वत्र राजत्व करके बैठा हुआ, घर गृहस्थी साधु सन्यासी वो किसी को उन्हें नहीं छोड़ा कि कली। उनने सोचा भैया वृंदावन धाम तो बांके बिहारी का धाम है, चलो थोड़ी सी हम वृंदावन धाम में चलते हैं, प्रभु जी एक सुंदर भजन सुनाएंगे। अभी वृंदावन के प्रभु जी एक सुंदर भजन सुनाएंगे, ठीक है? बोले श्री वृंदावन की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। की ब्रज चौरासी कोस में चार गाँव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगा, की ब्रज समुद्र मथुरा कमल, की ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद ब्रज वनिता सब पुष्प है, मधुकर गो की गोपियों की जगत में जिनकी उल्टी रीत, इनके पद वंदन करो करी कृष्ण से प्रिय। आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे, कौन कौन जाएंगे?
हाथ उठा के बताए जाएंगे, सभी लोग हाथ उठाए नहीं, और जो नहीं उठाए वो सोच रहे हैं कि पता नहीं वृंदावन में क्या भला है। तो आइए सभी लोग वृंदावन कैसे जाते हैं, नाचते कूदते भाई। अच्छा गोवर्धन कौन कौन गए, देखिए सब लोग गए लगभग, ज्यादा दूर थोड़ी है, सब देखे होंगे। तो गोवर्धन जिस ने गया है वहां देखे होंगे कि कीर्तन करते भय नाचते कूदते भय चलते हैं, चलते है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भी वृंदावन जब जाते हैं नाचते कूदते भय आते हैं, वहां तो जगह जगह से लोग आते हैं, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, सब लोग आते हैं और सबकी कीर्तन मंडली होती है, नाच के कूद के भय चलते हैं। तो आइए यहाँ पे भी 7 दिन नाच कूद कर वृंदावन मना रहा है अब लोग, तो आइए सभी लोग चलते हैं वृंदावन। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, तेरे वृंदावन धाम वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, संत लोग कैसे कि कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनकी भाग्य रेखा जो है बदल जाता है। इसलिए जो भी सज्जन बैठे हैं यहाँ पे जब जब कीर्तन हो ताली जरूर बजाना, जो भी गड़बड़ सड़बड़ रेखा है वो कीर्तन में ताली बजाने से बदल जाते हैं। क्या बोले सौभाग्य रूपी रेखा का उदय होता है कीर्तन में ताली बजाना। तो एक संत दूसरे संत से बोले भाई जहां देखो वहां कहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। आखिर ताली बजाने से होता क्या है? तो दूसरे संत बोले देखो कीर्तन में ताली बजाने से लड़ टूट जाती है, पाप निकल जाता है। बोले फिर पाप निकल कर जाता तो जाता कहां है, उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो दूसरे संत बोले देखो जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सर पे बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। तो क्या आप लोग पाप बैठना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो इसलिए सभी लोग ताली बजाते भय गाएंगे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, राधे राधे राधे।
राधे राधे गोदे वृंदावन गलियां डोले राधे राधे गोदे अरे वृंदावन गलियां डोले राधे राधे गोदे जो वृंदावन में डूबता है और राधे राधे बोलता है उसका क्या होता है अरे बाप जन्म सफल होता नदी बापो जन्म सफल जो राधा राम नहीं देता है उसको क्या बोला है वृंदावन की रसिक जन तू वृंदावन में आयो तिन राधा नाम लगायो तू बोला तेरे जीवन को जीता Thank you.
वृंदावन में लोग क्या बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं ज्यादातर लोग? अरे वृंदावन में लोग क्या बोलते हैं? जोर से। अच्छा तो आप लोग सभी लोग एक बार हाथ उठाए, ऊपर ऊपर हाथ उठाकर क्या बोलना है? अच्छा प्रेम से बोलेंगे सभी लोग ताली बजाकर, प्यार से बोलो वृंदावन। अरे ताली बजा के हाथ उठा के प्रेम से बोलो, ताली बजा के आवाज में यारी हर मैंने सुन जा, प्रेम से बोलो। आजा देखो कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ हाथ अभी तक नहीं उठाया। देखो हमारे वृंदावन में कहते हैं कि इस जन्म में जो कीर्तन में नहीं नाचा तो अगले जन्म में पेड़ जरूर बनेंगे, पेड़ बन जाएगा। और इस जन्म में जो कीर्तन नाय बोलो महोदय तो अगले जन्म में क्या बनेगा? गुंगो। तो इसीलिए सभी लोग कीर्तन बांधते हुए मुंह में गाते हुए ताली हो जाए और नृत्य करें। एक प्यार से बोलो हे वृंदावन, हे वृंदावन कुंज गली में कैसे बात सुनते कान गली में, प्रेम से बोलो ताली बजाते हे हाथ उठाते, प्रेम से बोलो राधे राधे हे वृंदावन, हे गोवर्धन में गोवर्धन में हे कुछ निकल उठा प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो हे राधे 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 हे राधा गुण में शीतल गुण में, प्रेम से बोलो हे श्याम गुण में हे राधे राधे हे यशोदा हे कुसुम सरोवर हर गान घटी पे हे गान सुगंधा हे बरसात में हे गहमर वन में हे मोर कुटी पे जोर से नौकर के लोग तो सुने कम से कम भागवत है रही है, लेकिन जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। रुचन श्री नारद जी वृंदावन में आए, यमुना किनारा में एक आश्चर्य घटना देखा। एक बड़ी सुंदरी एक युवती बैठी हुई, उसकी बगल में दो वृद्धा लेटे हुए और कुछ सखियां उनकी सेवा कर रही थी। नारद जी ने देखा भैया होगा कहीं सत्संग होती होगी। नारद जी जब वहां पर पहुंचे
देखा भैया सत्संग नहीं होता, रोना धोना है। फिर नारद जी वहां से भगे। इतने में वो जो बीच में बड़ी सुंदरी एक युवती बैठी हुई थी, बोले भव साधु प्रणम कृष्ण मत चिंता अविनाशय। बोले हे बाबा, हे नारद जी थोड़े रुक जाओ। बोले क्यों? बोले बड़ी भाग्य से ये संत दर्शन मिलता है, बड़े भाग्य से संत कृपा करके आए। बड़े भाग रहे हैं, नारद जी खड़े हो गए। बोले आप कौन हो? बोले आप मेरे को पहचानते नहीं? बोले नहीं, लगता है तो कहीं देखा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रही है। कहते अहम भक्ति इति ख्याता। बोले मेरी नाम भक्ति है, और ये जो दो बगल में बैठे हुए ना, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य है। बोले ये वृद्ध कैसे हो गए? बोले उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले बाबा, मेरी जन्म तो द्रविड़ देश में हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटक गता, कर्नाटका में बड़ी हुई। बोले क्वचित क्वचित महाराष्ट्री, बोले महाराष्ट्र में भी मेरे कहीं आदर मिली, मतलब कोई कहीं भक्ति करने वाले मिले। लेकिन जब मैं गुजरात में आई ना, एकदम वृद्ध हो गई। बोले वृद्ध हो गई मतलब क्या है? बोले गुजरात बड़ा नास्तिक देश था, वहां पर कोई व्यक्ति प्रभु का नाम नहीं लेते थे, भजन नहीं करते थे, किसी घर में ठाकुर पूजा नहीं, घर में कहीं तुलसी पौधा नहीं। अगर कोई तिलक कंठीधारी चोटीधारी आ जाए ना, जब तक देश से भगा नहीं दे तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ते थे। इसलिए बड़ा नास्तिक देश था ये गुजरात देश। इसलिए भक्ति कहती है मैं वृद्ध हो गई हूँ, लेकिन वृंदावन में आकर के युवती हो गई कल वहां पर। लेकिन अभी देखो गुजरात में सबसे ज्यादा भक्ति की अगर माहौल देखोगे गुजरात में, देखना गले में तुलसी कट्टी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, घर घर में ठाकुर है, घर घर में तुलसी, घर घर में अभी देखोगे। बोले फिर वहां भक्त कैसे बन गए? बोले कारण है वहां पर बड़े बड़े साधु लोग जन्म हुए, बल्लभाचार्य, तुकाराम, नरसिंह भक्त, वहां बड़े बड़े संत लोग जन्म हो गए। जहां पर एक संत जन्म लेता है बोले उसको प्रभाव से कहते करोड़ों योजन तक पवित्र हो जाती है। एक घर कहीं एक साधु कहीं जन्म हो जाए, इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं एक देश में एक राज्य में कहीं एक साधु जन्म हो जाए ना, बोले उसकी 21 पुरुष उद्धार हो जाते हैं, और उनका पूर्वज लोग स्वर्ग में नाचना शुरू कर देते हैं। बोले जितने दूर तक उनको दृष्टि जाए पवित्र हो जाता है। जब ये हाथ उठा करके नृत्य करते स्वर्ग का कल्याण होता है, उनकी चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती, अहो भाग्य है मेरे कोख से एक वैष्णव जन्म ग्रहण किया। इसलिए बड़े बड़े सत्पुरुष वहां पर जन्म हुए। इसलिए देखोगे पृथ्वी भारत में सबसे ज्यादा पैसा वाला कहाँ मिलेंगे बताओ? ये गुजरात में मिलेंगे। बोले क्यों? बोले ज्यादा भक्ति करने वाले, ज्यादा प्रभु की भजन करने वाले। लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहां पर नारायण की सेवा होती है वही माँ लक्ष्मी रहती है। इसलिए उसी देश में ज्यादा भजन पूजा पाठ हो गई। इसलिए बड़े बड़े तानी, ये मोदी कहाँ गए हैं? ये मोदी कहाँ के रहने वाले? ये भी गुजरात के हैं। इसलिए बड़े बड़े साधु पुरुष जन्म वहां पर हुए। इसलिए लेकिन ये भक्ति कहती है वृंदावन में आकर के मैं जवानी हो गई। बोले मतलब क्या है? बोले जो वृंदावन धाम है वो राधा रानी के हृदय है। ये वृंदावन धाम नहीं है, राधा रानी अपना हृदय को बिछा करके ये वृंदावन का स्वरूप दिया है। वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी वन, जहाँ तुलसी वन है। बोले तुलसी काननम जत्र जत्र वृंदावन, इसलिए जहाँ तुलसी वृक्ष वहीं पर वृंदावन धाम है। इसलिए घर घर में तुलसी वृक्ष होनी चाहिए। किसको किसको घर में तुलसी है? तुलसी की पौधा किसके घर में? हाँ, घर में जरूर तुलसी पौधा लगाओ। जिस घर में तुलसी पौधा है वहीं पर ठाकुर का निवास हो जाता है, ठाकुर जी वहीं पर निवास करते हैं। इसलिए कहते वृंदावन में आकर के भक्ति देवी तो हरी भरी हो गई, लेकिन मेरी जो दो बच्चे ज्ञान और वैराग्य की वृद्ध हो गए। बोले वृद्ध क्यों हो गए? बोले वहां पर ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाले नहीं,
क्योंकि जो वृंदावन धाम प्रेम भूमि है, हैं, वहां पर तो गोपियां बड़ी सुंदर श्रृंगार करती हैं, बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार सुंदर क्यों करती हैं? बोले कृष्ण देख कर खुश होएंगे, और बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाते हैं। बोले क्यों? बोले ठाकुर को भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा, इसलिए वहां वैराग्य को कोई नहीं पूछते हैं, ज्ञान को। इसलिए बोले उत्थ शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। वहां पर तो प्रेम की ढोल बज रही है, इसलिए ज्ञान वैराग्य वहां पर वृद्ध हो गए। लेकिन बोले भक्ति की दो बच्चे हैं, कौन कौन है? एक ज्ञान है और एक वैराग्य। बोले भैया मतलब क्या है? ज्ञान वैराग्य से तो ठाकुर मिलते नहीं, पर ये भक्ति के दो बेटे कैसे ज्ञान वैराग्य? लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान है वो भक्ति युक्त ज्ञान, जैसे अभी कथा सुन रहे हैं भैया, अभी तक ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान नहीं, ये ठाकुर जी को बढ़ाने वाले ज्ञान है। वैराग्य मतलब ठाकुर जी की चरण में विशेष करके अनुराग। इसलिए ये ज्ञान वैराग्य भक्ति के दो बेटे हैं। अगर ये ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होना, ये भक्ति देवी तो फिर रोती रहती है, वो दुखी रहती है। इतने में नारद जी बोले, बोले माता जी कोई चिंता मत करो, तुम्हारी दोनों बच्चों को मैं जवानी दिला दूंगा। बोले अगर तू जवानी दिला दिया ना, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तेरी हृदय छोड़कर के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतने में श्री नारद जी ज्ञान वैराग्य को कानों में वेद पुराण उपनिषद ब्रह्म सूत्र एकाएक करके बोलना शुरू किया। लेकिन किसी तरह से इनके ज्ञान की नेत्र नहीं खुली, लेकिन जब भगवत गीता बोले ना, थोड़ी सी आंख खुली। बोले क्यों? बोले जो गीता है ये ठाकुर की मुख निश्चित वाणी, इसलिए बोले गीता सुगीता कर्तव्य की मन ये शास्त्र विस्तरई जो स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्म विनिष्ट। ये ठाकुर जी की मुंह से ये निकली गीता वाणी, सुन करके थोड़ी सी आग तो खुली, और जब समाप्त तो हो गया ना, दोनों धड़ाम करके गिरे। नारद जी ने बोले भैया ये गीता साक्षात प्रभु की मुंह से निकली हुई, अगर इसको सुन करके इनकी चेतनता नहीं बिगड़ी होगी कैसे? सब तो उन्होंने पूछा, लेकिन कोई सही सही उत्तर नहीं दे पाए। जब श्री चतुष्ण से मिले, लेकिन इनको ये भागवत कथा सुनाओ, केवल ये भागवत कथा से ही इनकी चेतनता आएगी। बोले कहाँ पर सुनाए? बोले हरिद्वार में। बोले हरिद्वार में क्यों सुनाए? स्थान तो बहुत था। बोले जो हरिद्वार है, एक तरफ में गृहस्थी और दूसरे तरफ में संत रहते हैं। ये जो उत्तरांचल है वो साधु संतों का स्थान है, ऋषि मुनियों का। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर ये घर गृहस्थियों का स्थान है। बोले भैया ऐसे कोई एक स्थान हो जहां पर सभी कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम कौन आए? बोले वैष्णव आए। बोले क्यों? बोले जो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ, बोले जत वैष्णव नाम प्रियम, ये वैष्णव का प्रिय ग्रंथ ये भागवत है। उसको बाद में बोले जितने बड़े बड़े देवता लोग आए, जितने ऋषि मुनि आए, जितने गंगा जमुना सरस्वती सबके सब, जितने दंडकारण्य ऋषि लोग, और जो नहीं आए ना, कहते श्री अगस्त जी घर घर में गए। बोले तुम्हें पता है ये चतुष्ण हरिद्वार में भागवत कथा करने जा रहे हैं। बोले भैया बड़ी भाग्य से कथा सुनने को मिलता है, चलो सब के सब कथा सुनने के लिए चलो। बोले सारा दुनिया में जितने लोग थे सब के सब ये कथा सुनने के लिए आए। जब चतुष्ण कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, स्वर्ग से देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्प की बौछार की, शंख बजाए, दुंदुभियां बजाई, और उन लोगों ने भी भागवत की जयकार की। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जयकार में आनंद नहीं आया। देखो देवता लोग भी स्वर्ग से जयकार दे रहे हैं, और आप लोग वहां जयकार दे रहे हो, यहाँ तक आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। देखो इसका तात्पर्य है, अगर कहीं ये भागवत कथा होना, ये देवता लोग भी प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पुष्प की बौछार करते हैं, वो भी जय जयकार करते हैं। मतलब भागवत कथा की इतने महत्व है। अभी ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति देवी भी आ गई,
बोले भैया मुझे भी कहीं स्थान दो, बोले यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए इनके हृदय में आपकी स्थान है। भक्ति देवी कौन है? ये स्वयं राधा रानी। जो कथा सुनते हैं इनके हृदय में किसकी निवास हो जाती है? बोले श्री राधा जी की निवास हो जाती है। अगर किसके हृदय में राधा रानी बैठ जाए फिर आनंद ही आनंद, सबके सब आनंद में डूब गए सबके सब। बोले जो श्रीमद भागवत कथा है, बोले सदा सत्यम श्रीमती भागवत कथा जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रय। जो व्यक्ति ये श्रीमद भागवत कथा श्रवण करते हैं उसके हृदय में ठाकुर जी की निवास हो जाता है। अगर किसकी घर में अगर एक श्लोक की पाठ हो, नहीं तो आधा हो, नहीं तो एक चौथाई अगर भागवत की कहीं श्लोक जिस घर में पठन पाठन होता है उसको घर में श्री जुगल सरकार की निवास हो जाता है। इसलिए घर में ये श्रीमद भागवत पाठ जरूर होनी चाहिए। एक श्लोक हो, आधी श्लोक हो, कुछ ना कुछ रोज अपना घर में ये भागवत जरूर पाठ करो। जिस घर में ठाकुर जी ये भागवत ग्रंथ भी रहे बल उसी घर में ठाकुर जी की निवास भी उसी ग्रंथ उसी स्थान में होता है। देखो लेकिन हम लोग हिंदू हैं लेकिन गीता भागवत में हमारा कोई रुचि नहीं। गंदी गंदी घर में देखो, गंदी गंदी पुस्तक पढ़ा होगा, गंदी गंदी पुस्तक पढ़ा होगा लेकिन घर में गीता भागवत की कोई नाम गंदगी नहीं होगा। अगर होगा ना उसको पोथी बांध कर कहीं ऊपर रखा होगा, पोथी बांध कर ऊपर रखा हुआ होगा। अभी हम दिल्ली में कहीं कथा करने के लिए गए थे, वहां पर एक स्कूल कॉलेज था जिसमें मुसलमान की कुछ लड़कियां भी लड़के लोग पढ़ते हैं लेकिन उनका जो नमाज का समय होता है टीचर पढ़ा रहा था एकदम बीच में उन लोग गुरखा पहन करके क्लास से निकले। इतने में जो टीचर था हिंदू था बोले भैया क्लास को बीच में कहाँ जा रहे? बोले हमारे नमाज शुरू हो गया, हमारा नमाज पढ़ना शुरू हो गया, हम नहीं रह सकते, हम यहाँ जा रहे हैं, नमाज जब खत्म हो जाएगा फिर हम क्लास में आएंगे, इतने में वो मुसलमान लड़कियां लड़के कह रहे हैं बोले तुम लोग नाम मात्र का हिंदू है, बताओ तो भगवत गीता में कोई श्लोक तुम्हें याद है? वो लड़का लड़की हो ना, कितने उन्होंने पुराण की, कितने उन्होंने श्लोक बोलना शुरू किया, हमारे पुराण में ये बताया, हमारे पुराण में ये बताया, हमारी पुराण में ये बताया। सब बहुत सारे हिंदू लड़के थे, लड़कियां थी, बोलो तो तुम्हारी गीता में क्या लिखा हुआ, कोई एक व्यक्ति बताओ। सब चुप, सबके सब चुप है। अब देखना जब शुक्रवार होता है हमारे मुसलमान भाई लोग छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके 5-10 साल बच्चों को सबको ले जाते हैं और कहीं जागा नहीं हो ना मेन रोड में बैठ करके अपना नमाज को पढ़ते हैं। अगर कहीं भी नमाज की आवाज आ गई ना फिर वहीं पर बैठ करके अपना नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी धर्म में कितने सारे ग्रंथ भागवत पुराण है लेकिन इसमें हमारी कोई रुचि नहीं, लेकिन नहीं, अपना बच्चों को ये सब ग्रंथ गीता भागवत पढ़ानी चाहिए, बच्चों को कम से कम ज्ञान हो। देखो हमारे जो बड़े गुरु जी थे, ध्यान देकर सुनो, हमारे जो बड़े गुरु जी थे किसने आकर के हमारी बड़े गुरु जी के बोले बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है। देखो गुरु जी ने क्या बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चे को रामायण पढ़ाते हो? बोले नहीं। बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा, बेटा तुम्हारे साथ में ऐसे व्यवहार करेगा, कभी तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। बोले क्यों? बोले रामायण पढ़ते अगर पढ़ाते ना, रामायण में लिखा हुआ है प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता। रामायण देखे है ना, रामायण प्रभु राम सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छूते थे, गुरु जी की चरण छूते थे। देखना जब दशरथ महाराज शयन करते हैं प्रभु राम स्वयं जाकर के गुरु जी पिताजी की चरण सेवा करते हैं, पिताजी की चरण दबाते हैं। बोले बेटा अगर तू रामायण पढ़ता, बच्चों को रामायण पढ़ाता, बेटा उठ करके तेरे को चरण छूता, तेरे को पूजा करता, फिर तुम्हारी बात क्यों नहीं मानती? स्मार्टफोन तो पकड़वा दिया बेटे को, 10,000-20,000 का स्मार्टफोन तो पकड़वा दिया बेटे को लेकिन कभी तुमने बताया गीता क्या के श्लोक पढ़?
रामायण थोड़ी पढ़ कभी बच्चे को बताया? बोले नहीं। बोले तेरे को दुख कौन भोग करेगा? तू भोगोगे नहीं तो क्या भोगोगे? अगर हम अपना संस्कृति को अगर संसार में सुख शांति पाना चाहते हैं ना, जरूर रामायण पढ़ो, क्योंकि भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए। भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए। बोले क्यों? बोले सौतली माँ की आदेश को पालन करने के लिए। हाँ, सौतली माँ की आदेश पालन के लिए राम 14 साल तक प्रभु वनवास में चले गए, पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए। लेकिन अपना बेटे को बोले तो तू 14 दिन के लिए कोई काम करो, प्रभु तो राम 14 साल के लिए गए थे। अपना बेटे को बोले 14 दिन के लिए कहीं काम करो, कुछ करो, वो घूमने के लिए तो 14 दिन के लिए चले जाएगा, लेकिन तुम्हारी आदेश पालन करने के लिए 1 दिन भी नहीं जा सकता है। बोले क्यों? हम रामायण नहीं पढ़ते हैं। हमारे घर में हीरो हीरोइन का पिक्चर पड़ा हुआ होगा, इधर उधर गंदी गंदी पिक्चर पड़ा हुआ होगा, उल्टा पुल्टा, जितने चरित्रहीनों का जिनकी, इसलिए नियम है किसकी मूर्ति देखनी चाहिए, किसकी सूरत, जिनकी चरित्रवान है। अगर सवेरे उठ करके चरित्रहीन व्यक्ति का अगर तुम फोटो देखोगे, तुम्हारे हृदय में क्या अफेक्ट हो सकता है बताओ? इसलिए हमें चरित्रवानों की फोटो देखनी चाहिए और ये गीता रामायण हमें पढ़नी चाहिए। ये बच्चों के ऊपर में अच्छी संस्कार पड़ेगी, बच्चे बड़े होकर के आपके आदर करेंगे, चरण छुएंगे, सेवा करेंगे, ठीक है ना? इसलिए सबके सब बच्चों को कम से कम बोलो घर में एक गीता की एक श्लोक पढ़े, गीता की एक श्लोक और उसकी व्याख्या पढ़े, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए कहते जिसकी घर में एक श्लोक, आधी श्लोक, एक चौथाई श्लोक पाठ हो, उसी घर में जुगल सरकार की उसी घर में निवास होती है। जब श्री चतुर्सर ने ये भागवत कथा की, भागवत प्रभाव से गोलक वृंदावन से श्री जुगल सरकार प्रकट हो गए, अपना परिकरों को साथ में। वहां पर नारद जी वीणा बजा रहे थे, श्री उद्धव जी मजीरा बजा रहे थे, अर्जुन जी पखवज बजा रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी तो जैसे जैसे कीर्तन हो रहे थे वैसे ऐसे नृत्य कर रहे थे, और वहां पर बड़े सुंदर भजन हो रहा था। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, गिरिधारी की जय, बनवारी की जय, गिरिधारी की जय, बनवारी की जय, बोल कुंज बिहारी की जय जय जय, बोल कुंज बिहारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल,
भगवान की जय। यदि कथा की प्रभाव से सब कथा भगवत प्राप्ति हो गई, तब श्री नारद जी प्रश्न करते हैं, अगर कोई प्रेत जोनी में पड़ा हुआ हो, उधार नहीं हो रहे, क्या कथा सुनने से उनकी भी मुक्ति मिलेगी? तो उन्होंने गोकर्ण और धुंधुकार की कथा सुनाई। आप सब बहुत कथा सुने होंगे, कैसे आत्मदेव के घर में, कहते आत्मदेव पत्नी का नाम धुंधुली, घर में सारे सूखे, घर में कोई संतान नहीं, इसलिए बड़े दुखी है। एक दिन बड़े दुखी होकर के प्राण त्याग देने के लिए गए। जब ठाकुर जी किसको पर कृपा करते हैं, साधु संत रूप में आए, ठाकुर जी माना संत रूप में आए समझाए, बोले बेटा अगर संतान नहीं चिंता मत करो, ठाकुर को ही अपना बेटा बना दे। देखो वृंदावन में आपको सही घटना सुना रहा हूं, किसी माता की संतान नहीं थी, उसने घर में गोपाल जी की पूजा की, सारा जीवन गोपाल सेवा में लगा दी, लेकिन जो माता जी वृद्ध हो गई, ठाकुर जी स्वयं उनकी सेवा पूजा करते, ठाकुर जी सब्जी लाते थे, रोसी बनाते थे, घर साफ ठाकुर जी स्वयं करते थे। बोले अगर संतान नहीं कोई चिंता नहीं, ठाकुर को ही अपना बेटा बना दो, ये बेटा सही बेटा है, ये बेटा कभी बेईमानी नहीं करेगी, ये बेटा कभी बेईमानी नहीं करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। इसलिए बोले नहीं, हमें तो संतान की जरूरत है। बोले तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं, फिर तो उनकी चरण में गिर पड़े, बोले मुझे एक संतान दो। तो उन्होंने एक फल लेकर के दिए, बोले ये फल को पत्नी को खिला देना, बोलना गीता भागवत रामायण पढ़े, बड़ा सुंदर एक संतान जन्म होगा। देखो एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब क्या है? अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए माताएं सुंदर सुंदर प्रभु की लीला देखे, ठाकुर जी की तस्वीर देखे, गीता रामायण पढ़े, देखना बच्चा इतनी सुंदर बच्चा तुम्हारी होगा, इतने आज्ञाकारी बच्चा होगा। इसलिए मैया सीता जब गर्भवती थी, अब लोग रामायण देखे होंगे, देखे हो रामायण, लव कुश देखे होंगे, इसलिए भगवान राम बड़े बड़े संतों को बुलाए, बोले सीते आज मैं क्यों संतों को बुलाए, तुम्हारी गर्भ में बच्चा है, अगर तुम गीता भागवत पुराण सुनोगे, बच्चा बड़ा संस्कारी बनेगा, लव कुश जन्मोगे, कितने ज्ञानी हुए। अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए अगर उल्टा पुल्टा फिल्म देखोगे, गंदी गंदी फिल्म, फिर बच्चा गुंडा बनकर के आएगा, बच्चा बड़ा दुष्ट बनकर के आएगा। इसलिए हम जहां जाते हैं ना, दुनिया कहते बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा बात नहीं सुनता, इसका मूल कारण है माताएं। अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए, अब लोग महाभारत देखे होंगे, अभिमनु जब गर्भ में था, अर्जुन ने चक्रव्यूह की बात उन्होंने सुभद्रा को बोली और उसी समय उसने सब कुछ सीख लिया, लेकिन चक्र भेद कैसे करेगा सुन लिया, वापस से कैसे आएगा बोलने से पहले, सुभद्रा सो गई, बोले नहीं तो उनको भूल गए, बोले मेरे चक्र भी भेद कर सकता हूं, मतलब गर्भ संस्कार इतने बड़ी संस्कार। इसलिए नियम है गर्भ में बच्चे रहते हुए माताओं को गीता भागवत रामायण पढ़नी चाहिए, बच्चा संस्कारी बनकर के आएगा। अभी उसका नाम तो धुंधुली, धुंधुली मतलब अज्ञानी है, उसको संत ने फल दिया, आत्मदेव को बोले पत्नी को खिलाना, बड़ा सुंदर बच्चा होगा, लेकिन उसने अपना सहेल को दे दिया, बोले कौन गर्भ धारण करते, इतने कष्ट को कौन सहन करती है, बोले मेरे पति को पास में पैसा नहीं, कुछ पैसा दे दो, और पेट में कपड़ा बांध करके सोते रहो, बच्चा होगा तो तेरे घर में दे जाऊंगी, उसने ऐसे करती। लेकिन जो गैया कभी बच्चा जन्म नहीं देता था, उसको फल खिलाया तो उसने बड़ा सुंदर एक अपूर्व संतान जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा गोकर्ण, और उससे जो संतान हुई उसका नाम दे दिया धुंधुकारी। देखो एक होता है नामकरण संस्कार, ये सारे संस्कार हमारे हिंदू धर्म में। नामकरण संस्कार मतलब क्या है? ऐसे नहीं मन में जो आए टुल्लू बुल्लू टिकी भी बच्चों का नाम दे, नहीं नहीं देख रखनी चाहिए। आप पंडित को बुलाओ, समय नक्षत्र को देखो, एक अक्षर निकलेगा, वो अक्षर पहले रख करके ठाकुर जी का नाम, नहीं तो किसी भक्तों का नाम रखो, जैसे मुंह से बारंबार ठाकुर जी के नाम निकले। हम आगे सुनेंगे अजामिल की कथा, हम सुनेंगे कैसे बेटा का नाम नारायण रखा, नारायण बोलते बोलते उसको उद्धार हो गया। इसलिए पहले पहले देखो, पूछो जितने बड़े बूढ़ों का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर होगा, जितने माताओं को गीता सीता ये सब नाम होगा, लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी, ये विदेश में जितने कुत्ते हैं ना, उनके कुत्तों का नाम सोचो। इसलिए बच्चों का कुत्तों का नाम नहीं धराने चाहिए, बच्चों का नाम ठाकुर का नाम पर धराओ। देखो हम लोग तो हिंदू है, देखना शादी से पहले जन्म पत्र मिलाते हैं, मिलाते कि नहीं जन्म पत्र? भैया जन्म पत्र क्यों मिलाते हैं, ऐसे क्यों शादी नहीं कर देते? कारण है जन्म पत्र मिलाते हुए, कहते ना हमारे
जन्म पत्र मिला करके शादी कराओगे तो बेटी सारा जीवन सुख में रहेगी, पति पत्नी आनंद में रहेंगे, तभी तो ये काम करते हैं। लेकिन अभी ऐसे नहीं, अभी ऐसे नहीं, जहां मन मर्जी शादी कर लेते हैं। इसलिए कहता आई लव यू, बाद में आई लीव यू, बाद में आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में जाकर नंबर काटते हैं। लेकिन पहले आपने डाइवोर्स नाम कभी सुना है? भारत में जितने बड़े बूढ़ों को पूछो कभी डाइवोर्स नाम सुने? अभी भारत में 50% जिस घर में जितने ज्यादा पैसा धन दौलत उसी घर में उतना ही झगड़ा, उतना ही अशांति है। इसलिए एक होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में नियम है, ऐसे नाम नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो जन्म पत्र मिलाते समय जन्म पत्र तुम्हारी मिलेंगे नहीं। इसलिए नामकरण संस्कार है। इसलिए एक का नाम तो धुंधुकारी और एक का नाम रख दिया गोकर्ण नाम रखे, दोनों बच्चे बड़े हुए। संतों का दिया हुआ फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। पंडित ज्ञानी बने और संतों को धोखा दिए तो धुंधुकारी महात्मा बने। इतनी उत्पात उसने मचाया, इतनी उत्पात मचाया, पिता को दुखी होकर घर छोड़ चले गए। घर में मैया रही, मैया को खूब पीटे, मैया तो कुएं में आत्महत्या कर ली। छह बेस्या को बुला कर लाया, कोई बोले कपड़ा दो, कोई बोले ब्लाउज दो, कोई बोलते हैं लिपस्टिक ले आओ। अभी जा करके डाकू दला राज दरबार में बहुत पैसा को लूट करके लाया। बेस्याओं ने देखा भैया सवेरे होते ही अगर पकड़ा गया ना सबके सब जेल में चले जाएंगे। इतने में राता रात उसको पूरी तरह से मार डाला और गड्ढे खोद करके गाड़ दिए, वो प्रेत बन गया। गोकर्ण ने जब आया देखा प्रेत बना हुआ, बोले तेरे नाम पर पिंड दी तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया 100 बार भी पिंड दो मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मुक्ति मिली कैसे? जब उनको श्रीमद भागवत कथा सुना। मतलब है हम बड़े से बड़े अगर पापी हो लेकिन एक बार ये भागवत कथा में बैठ जाए, कथा सुन लेना, ये जरूर हमें भगवत प्राप्त करा देगी। संसार का बंधन से हमें मुक्त ये जरूर करा देगी। भगवान के नाम में इतने शक्ति। जब उन्होंने कथा सुनाए लेकिन केवल एक रथ आया। इतने में गोकर्ण ने कहा भैया यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए, आप एक रथ क्यों लाए? बोले देखो देखने के लिए तो इतना लोग बैठे हुए लेकिन कथा तो एक व्यक्ति मन से सुना, ये धुंधुकारी सुना, इसलिए मुक्ति हुई। बोले भैया कथा में फिर भेद किया? हाँ देखो कथा कैसे सुननी चाहिए। पहला नंबर है विश्वास गुरु वाक्य सुन। पहले ये शास्त्र में पहले तुम्हारी विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं होगी ना यहाँ बैठने पर भी अब कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। विश्वास सबसे बड़ा वस्तु है। उसको बाद में स्वस्मिन दिनत्व भावनम, तीन हीन होकर कथा सुननी चाहिए और मन को एकाग्र करके एक मन से कथा सुननी चाहिए, फिर ये भागवत कथा फिर हमें भगवत प्राप्ति कराएगी। इसलिए जो श्रोता हैं ये दो तरह के हैं। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, कल मैं पूछूंगा देखूंगा कौन मेरे को बता पाता है श्रोता कितने तरह का कथा कैसे सुननी चाहिए। जो मेरे को कल बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। इसलिए श्रोता दो तरह के, कितने तरह के? दो। पहला नंबर जो श्रोता जो अच्छे श्रोता, जो अच्छा श्रोता चार ही तरह के, कितने तरह के? चार। पहला नंबर है हंस। अब हंस को दूध दो, देखना हंस दूध दूध तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा। अच्छे श्रोता हुए हैं जो दूध दूध को ले और पानी को छोड़ दे, बोले सार वस्तु को तो ले और असार को छोड़ दे। दूसरा नंबर है मधुमक्खी। एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी। बोले मक्खी कहाँ बैठता है? बोले गंदी चीज में। बोले मधुमक्खी कहाँ बैठता है? बोले फूलों में। मधुमक्खी फूलों से शहद को लेकर के बड़े सुंदर छत्ता बना देती है। इसलिए उसी तरह हमें मधुमक्खी होनी चाहिए, मक्खी नहीं होनी चाहिए। हर जगह से हमें अच्छी चीज को ग्रहण करनी चाहिए, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है मछली। मछली आप लोगों देखे होंगे, मछली को देखना उसका आंखों का पलक कभी झपती नहीं। कथा कैसे सुननी चाहिए? एक मन से, आंख की पलक तक भी झपने नहीं दे, मतलब एक मन से टकटक लगा कर कथा सुननी चाहिए। तीसरा चौथा नंबर है चातक। ये एक चिड़िया है। ये चिड़िया कभी किसी नदी का पानी किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, जब बारिश ही होना स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है।
इसका मतलब है भैया कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, इधर उधर की बात हमें नहीं सुननी है। चाकर कहते चार ही तरह का साधारण श्रोता, ये तो चार हो गए अच्छे श्रोता, चार ही साधारण श्रोता है, कनिष्ठ श्रोता। पहला नंबर घुरुंड, ये एक चिड़िया रहता है हिमालय पर्वत में, इसलिए चिड़िया को आप जैसे सुनाओगे ना ठीक वैसे आपको सुना देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर भी नहीं उतारेगा। दूसरा नंबर है बेल, बेल को आप भूसा दो नहीं तो बढ़िया बढ़िया फल दो, दोनों में कोई अंतर नहीं समझता है, ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कथा हो, दोनों को जो बराबर मानते हैं। तीसरा नंबर है ऊंट, आप लोग ऊंट देखेगी नहीं, आप देखना ऊंट को कोई कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया पता दो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा भैया पेड़ कांटा की पेड़ कहाँ पर, बबलू का पेड़ कहाँ पर। मतलब है जो व्यक्ति भगवान की मीठी मीठी कथा नहीं सुन करके दुनियादारी की इधर उधर की बात सुने कभी एक ऊंट है। और जो चौथा नंबर है भेड़िया, जब हिरण कोई सुलीली शब्द सुनकर के उसमें मुग्ध हो जाए भी ये भेड़िया आक्रमण कर। मतलब क्या है, कुछ कुछ ऐसे भक्त हैं जो एक मन से कथा सुनते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो पास में बैठे करके उसको कथा सुनने नहीं दे, बिना कारण की बात करते रहे, तेरे घर में क्या बना, उसकी छोरी ने ऐसे किया, उसको छोरा ने ऐसे किया, जो दुनिया की कथा सुने नहीं और पास वाले व्यक्ति को भी कथा सुनने नहीं दे, कहते ये भेड़िया है। कहते चार तरह का कथा है, सात्विक रात्रि की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना दो महीना हो कथा तो सुने लेकिन उसको साथ बाद में फिर कोई मतलब नहीं। राजसी कथा किसको कहते हैं, बड़ी ठाड़ बाड़ में कथा की आयोजन की लेकिन कभी कभी इतने उसमें बिजी हो गए कथा ही नहीं सुन पाए। कहते तामस की कथा किसको कहते हैं, जैसे सात दिन तक कथा तो रखे, कभी सुने कभी नहीं सुने, कभी आधा में आए नहीं तो कभी लास्ट में आए, कभी मन नहीं लगा, एक चक्कर घूम करके आ गए। कहते भैया किसी तरह से सात दिन बिताना, इसको तामस की कथा कहते। बोले भैया निर्गुण कथा किया है, सही कथा किया। बोले सदा से प्राम सदा से प्राम, जो अपना जीवन को ही भागवतमय बना दे, घर में रोज नियम करके गीता की कोई श्लोक हो नहीं तो रामायण हो नहीं तो भागवत ग्रंथ हो, जरूर कुछ ना कुछ सत ग्रंथ को पढ़े, भगवत ग्रंथ को जरूर पढ़नी चाहिए। देखो आपको एक छोटी सी कथा सुना था, ग्रंथ पढ़ने का कितना महत्व, ये सही घटना। ये अमेरिका की कथा सुना था, आप देखना ये गीता जयंती होती है ना, कृष्ण जिस दिन गीता के उपदेश दिए, ये इस्कॉन का नाम सुने होंगे, ये अमेरिका में ये गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। अमेरिका में एक व्यक्ति प्लेन से उतरा, वो पांच छह व्यक्ति लाइन से खड़े थे, जो वो गीता बेच रहे थे, जो आए भैया गीता लो, लेकिन वो तो क्रिश्चियन था, बोले बेकार इसको गीता ग्रंथ है। और थोड़ी दूर गए और एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले गीता लो बेकार है। लेखा पांच छह व्यक्ति लाइन से खड़ा हुआ, सोचे भैया कितने को बेकार बेकार, बोलो एक ले लेता हूँ, तीन चार डॉलर दे करके गीता ले लिया, ले करके अपना ड्रम रख लिया, बोले बेकार इसमें तो कोई काम की बात है ही नहीं, ड्रम रख लिया। वो व्यक्ति एक दिन इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में आ गया, समय सुइसाइड करूंगा, वो मरने के लिए बैठा हुआ, अभी वो सुइसाइड करने जा रहा है, इतने में उसने ड्रम को खोला, जिस ड्रम में गीता थी उसमें बंदूक था, जब उसने बंदूक को लेने के लिए गया हाथ में गीता, उसने मरने जा रहा था ना, बोले एक बार खोल करके देखता, ग्रंथ की खोली पहला श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, बोले हे अर्जुन अगर तू जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आता है तब तक जीव शांति सुख नहीं मिल सकता है। लेकिन हम किसको प्रेम करते हैं, बोले शरीर को, ये जो शरीर है ये पंच भौतिक शरीर है, केवल मिट्टी वायु अग्नि जल से ये है, अंदर में टाटी पेशाब है और कुछ है ही नहीं, इसलिए शरीर को प्रेम करने पर, अनित्य वस्तु को प्रेम करने पर ये कभी नित्य वस्तु दे नहीं सकता है। ये शरीर कैसे, बोले बांसा से जीर्णानि जथा विहाय, जैसे अपने के कपड़ा पहने, जब पुराना हो जाते हैं क्या करते हैं, उसको छोड़ करके फिर हम एक नई कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह जो आत्मा है नित्य शाश्वत अव्यय है, ये कभी मरती नहीं, केवल एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए हे अर्जुन ये कपड़े में आसक्ति मत रखा करो। उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक पिंजरा है,
इसकी अंदर में के तोता है, अगर आप तोता को खाना मत खिलाओ, दिन भर पिंजरा को पेंटिंग करते रहो, बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? बताओ तोता जिंदा रहेगा? नहीं। उसी तरह जो व्यक्ति केवल शरीर को, इसको ही खिलाओ, इसको ही पिलाओ, इसको ही ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, इसको ही जिम में लेकर केवल शरीर ही शरीर को देखो, भैया ये पिंजरा है, इसकी अंदर में एक तोता भी बैठा हुआ है, वो परमात्मा रूप में। जब तक तुम तोता को प्यार नहीं करोगे, खिलाओगे नहीं, करते तो मर ही जाएगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन जो जीव है वो भगवान की संतान है, जब तक जीव प्रभु की शरण में नहीं जाए, विश्व ब्रह्मांड का सारे संपत्ति को एकत्र करने पर भी शांति सुख नहीं मिलेगी। रावण जैसे व्यक्ति जिनकी सोने की लंका, मंदोदरी जैसे पत्नी, मेघनाद जैसे बेटा पा करके भी जीवन में शांति नहीं मिली, लेकिन एक बेचैन रहता था, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति केवल चैन से जी रहा था, कौन है? बोले बीवी संग। बोले क्यों? बोले राम की शरण में गया। कृष्ण अर्जुन की बात समझा रहे हैं। देखो वो व्यक्ति मरने जा रहा था, बंदूक को कहां, बंदूक पकड़ने गया, गीता ग्रंथ पढ़ गई, रात भर उसने गीता पढ़ी और उसने सुई साड़ी का छोड़ दिया उसने। उसमें लिखा हुआ था एड्रेस और उसमें नंबर था, फोन नंबर, उसने फोन लगाया। वो गया वहां पर, एक मंदिर था अमेरिका में, देखा वहां पर संत लोग हैं, फिर उन्होंने उनसे बात किया, बोले भैया हम तो बड़ी डिप्रेशन में, हमें संसार में कोई शांति सुख नहीं मिल रहा है, मिलेगा कैसे? फिर संतों ने उनको उपदेश दिया, बोले भैया केवल ये शरीर को प्रेम करने से ये अनित्य वस्तु है, ये कभी नित्य वस्तु को दे ही नहीं सकता है, अगर तुम नित्य वस्तु पाना चाहते हो, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, जब तक तुम उनकी भक्ति नहीं करोगे ये सांसारिक वस्तु तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। उसने सब कुछ त्याग दिया, देखकर के अभी भी वो व्यक्ति है, ऐसे ड्रेस, अभी संन्यास लिया और संपूर्ण विश्व में ये गीता को प्रचार करते हैं, संपूर्ण विश्व में। देखो कोई व्यक्ति मरने जा रहा था, एक गीता हाथ में पड़ा तो जीवन परिवर्तन कर लिया। इसलिए गीता में ऐसे कोई आंसर नहीं जो गीता में आपको नहीं मिलेगा, सारे प्रश्न आंसर का उत्तर गीता में। इसलिए आप लोग कोशिश करना, गीता खुद भी पढ़े और बच्चों को भी ये भगवत गीता पढ़ाए। इसलिए कहते हैं निर्गुण कथा क्या है, जो अपना जीवन को ही प्रभु का भक्तिमय बना दे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो कथा को हम यही विश्राम करते हैं, आज थोड़ा देर एक से लेकर के हम 4 बजे तक कथा को हम विश्राम कर देंगे, फिर आप लोग घर में जा करके अपना संसार का बच्चों पति सबको आप अच्छे तरह से प्रसाद बना करके खिला सकते हो। इसलिए आज केवल लेट होगी, कल से 1 से लेकर 4 बजे तक कथा होगी। अब कोशिश करना टाइम से आ जाएंगे ना, फिर 4 बजे हम कथा को विश्राम दे देंगे। और एक एक माताएं 10-10 माताओं फल गुला कर लाना, और एक एक भजन गाएंगे, भजन में सबके सब नाचना है, और उसके बाद में आरती और प्रसाद लेके जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद भागवत महापुराण की जय, जय श्री राधे। हरि बोल। हर काना की दीवानी बन जाओ, ये काना की दीवानी बन जाओ, दीवानी बन जाओ, मस्तानी बन जाओ, दीवानी बन जाओ, मस्तानी बन जाओ, ओ दीवानी बन जाओ, मस्तानी बन जाओ, दीवानी बन जाओ, मस्तानी बन जाओ, इधर कुछ गोपियां तो नाच रही है, हिल रही है, ढुल रही है, लेकिन इधर गोब जो है बिल्कुल जैसे बर्फ पड़ गया, बर्फ जम गया। वृंदावन होता है, एक तरफ में राधा जी की पार्टी और दूसरे तरफ में कन्हैया का पार्टी, दोनों में कॉम्पिटिशन होता है।
अगर भाई लोग नहीं नाचो ना कन्या बटी हार जाएगी। कन्या को नहीं हरानी है, कन्या को जीताना है। और जो माता है राधा जी को नहीं हरानी है, राधा जी को जीताना है। कब राधा रानी जीतेगी? जब नाचो। इसलिए भैया लोग भी हारना नहीं, राधा रानी को सामने हारना नहीं, राधा रानी को सामने जीतना है। इसलिए खड़े नहीं, भगवान का कीर्तन में नाचना चाहिए। सभी नाचेंगे। अच्छा, जिसको नाचना नहीं आता है कम से कम इधर एक बार करे और इधर एक बार, है ना? ठीक है। और जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे और पतले मोटे हो जाएंगे। लीजिए अरे काना की बनी बनी जाओ, ये काना की बनी बनी जाओ, दीवानी बन जाओ की मस्तानी बन जाओ। I'm not
विदेश के लोग देखेंगे तब क्या सोचेंगे कि एक जगह पे पड़े पड़े क्या कर रहे हैं, कम से कम थोड़ी सी जगह छोड़ दे आप नाते तो अच्छा लगेगा है। तो कोई बात नहीं, कल से नाचेंगे। एक बार सभी लोग हाथ उठाए, हाथ उठाकर क्या बोलना है एक बार एक जोर से बोले क्या बोलना है। राधे राधे बोलेंगे सब लोग, ताली बजा हे प्यार बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 वृंदावन हे वृंदावन में राधे कृष्ण में राधे कृष्ण में हे राधे 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 बोलो राधे ताली बजाते
चरण से निकले गंगा प्यारे, गंगा जिसने सारे दुनिया तारे, श्री माँ के बिहारी जैसे आरती गाओ, के नाते आप जीवन प्यारे साथ आओ, जीवन प्यारे आज कुछ भक्तों ने प्रसाद दिया है श्री राम निवास गुप्ता जी और टिट्टू साहनी, इन लोग ने आप सभी के लिए प्रसाद दिए हैं, आप इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ठाकुर जी इनके घर में शांति सुनते हैं क्योंकि भागवत अन्न का गाना मिलता है, ठाकुर जी वस्त्र का कहीं अभाव नहीं होता, भरपूर रहती है। ठीक है, देखो कुछ भक्त लोग तो नाचे और कुछ नाचे, अभी मैं नाचूंगा मेरे साथ ही नाचे, ठीक है ना। हरी बोल, सबके सब एक बार हाथ उठा करके हरी बोल, हाथ उठा होते ठाकुर के सामने जो नाचेगा ना, अरे 84 लाख में नाचना बंद हो जाएगा, 84 लाख जन्म में नाचना पड़ेगा। एक बार हाथ उठा, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, राधे 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 वो श्लोक कहता है ध्रुम जन्म भाजो, ध्रुम मतलब होता है पेड़, वृक्ष है,
भैया उसने ऐसे कौन सा कर्म किया जो पेड़ बन गया, ऐसे उसने कौन सा कर्म किया जो पेड़ जन्म में आया। बोले भगवान उसे तो इंसान जीवन दिया, लेकिन ठाकुर का कीर्तन भजन में नाच सकता था, नाचे नहीं। बोले मैंने कीर्तन में नाचा नहीं ना, एक जगह पर पेड़ जन्म दे दूंगा और फिर खड़े जाएंगे। ये भागवत का श्लोक है द्वितीय स्कंद का। इसलिए कम से कम शरीर कितना हिला होगा, शरीर तो कम से कम हिला है, ठीक है सबके सब एक बार। और जब तक द्रौपदी हाथ नहीं उठाए ना, तब तक ठाकुर जी वस्त्र नहीं देते। जब तक बच्चा हाथ नहीं उठाता मैया गोद में नहीं लेती, हाथ उठाए तब तो मैया गोद में लेगी ना। हाथ उठाना मतलब ठाकुर जी हमें अपना गोद में स्थान दो, ठीक है ना। और ठाकुर जी तब तक लाज रक्षा नहीं करेंगे जब तक हाथ नहीं उठाओ। उसको बाद में घर में नहीं नाचूंगा, आपको नाचना पड़ेगा। अब आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कृष्ण जन्म में कैसे नाचना है आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना। और एक बार सबके सब भागवत कथा अमृतम की जय।
सुखदेव गोस्वामी की जय। लसी परीक्षित महाराज की जय। लसी सुतो सोनकाद ऋषियों की जय। बोलश्री हरिनाम संकीर्तन के अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय श्री राम। जिस दिन जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी ना, हम लोग अच्छे अच्छे से भजन गाने वाले कीर्तन गाने वाले आएंगे, सबके सब रोड में सबका सब नाचना पड़ेगा। इसलिए अभी 7 दिन तक एकदम प्रैक्टिस कर लो, फिर तो पूरा एटावासी इंद्रपुर में पूरा का पूरा टहलका बजाएंगे ठाकुर जी जगन्नाथ जी को लेकर के। ठीक है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा में सबके साथ प्रणाम करो और प्रसाद लेकर के सब सर झुका करो प्रणाम करो।